नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माझा ओवरव्यू सीरीज में। सो दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है वो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे 0.32 बोर रिवॉल्वर के ऊपर। ये ऑर्डिनस गन फैक्ट्री कानपुर का बना हुआ है और MK3 सीरीज है, 2011 मॉडल है। सो दोस्तों, एक बार तो मैं इसके चैम्बर से गोलियाँ निकाल दूँ। सो दोस्तों, बात करेंगे आज इसके ऊपर भी, क्या शूटिंग रेंज कितनी है इसकी, कितने इसके अंदर बुलेट लोड होते हैं और क्या क्या इसकी खासियत है। सो जो ये डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा नज़दीक से देख लो, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। 1995 में ये जो डिज़ाइन है ये तैयार किया था ऑर्डिनस गन फैक्ट्री ने, और ये जो बेवलेस कोड है इसके ऊपर इसकी ये कॉपी है। और इंडियन आर्म्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी इसकी रेंज भी है और डिज़ाइन भी ठीक है और रेट वाइज भी ठीक है। और ये जो 7 इंच टोटल जो इसकी लेंथ है वो 7 इंच है, और जो इसकी बैरल है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो इसकी बैरल है ये 3 इंच की है। और ये इसका सिलेंडर हो गया, 6 बोल्ट इसके अंदर लोड होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी सेफ्टी वाइज भी ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे आप, ये अब फायर के लिए रेडी है। यहाँ से अब दबाएंगे तो फायर हो जाएगा, और अगर इसको सेफ्टी ऑन कर देंगे, इधर से दबा के सेफ्टी ऑन करेंगे तो ये फायर नहीं होगा। अब यहाँ से लॉक हो गया, अब ये फायर नहीं होगा। और इसको खोल देंगे, फायर करेंगे तो ठीक है, फायर के लिए रेडी है। सो दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, एक दो प्रॉब्लम भी है इसके अंदर। एक तो कई बार कुछ दोस्त भाई बात करते होते कि इसका जो फायर है वो मिस हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी फायर मिस हो जाता है। और एक प्रॉब्लम इसके अंदर है जो मेरे को भी शुरू में फेस करनी पड़ी थी, ये जो इसका सिलेंडर है ये निकल जाता है, ये बाहर सिलेंडर इसका बाहर आ जाता था। और एक इसकी फायर पिन की है सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी, जो फायर पिन का स्प्रिंग है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी भी अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, दिख रहा होगा आपको ये, अगर आप फायर करके दिखाऊं, ये देखो, ये फायर किया और ये देखो, ये पिन बाहर आ गई और ये अभी बाहर ही है, अंदर नहीं जा रही। ये देखो, ये दबाई तो अंदर गई। दोबारा देखो एक बार, और ये देखो, ये बाहर ही रह गई है। ये इसका स्प्रिंग है जो दोबारा ख़राब हो गया है। और ये 2-3 इसके अंदर कमियां हैं, ये जो मतलब के थोड़ा सा करती हैं, अदरवाइज तो मतलब के कुल अगर इसका ओवरव्यू देखा जाए तो ठीक है। वैसे फायर वगैरह तो नहीं कभी इसने मिस किया। अगर इस मेरे वाले रिवॉल्वर की बात करूँ तो 2011 में लिया था, 2011 मॉडल है ये MK3 सीरीज, और फायर वगैरह तो नहीं मिस हुआ, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़रूर आई भी शुरू में, इसका ये जो सिलेंडर है ये बाहर आ जाता था। फिर इसके अच्छे तरीके से रिपेयरिंग वगैरह करवाई, और एक ये जो फायर पिन है ये पहले भी 2 बार चेंज करवा ली है। इसका स्प्रिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, फायर पिन अभी दोबारा फिर ख़राब हो रहा है। सो यही था, मैं कहा आज थोड़ी सी बात करें भाइयों से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।